अरे वाह, ये कॉलेज कितना सुंदर है। अब मैं जल्दी से जाता हूँ कॉलेज में, आज मेरा फर्स्ट डे है। सोनम, मेरा वहां तो देखो, मुझे लगता है हमारे कॉलेज में ना कोई नया लड़का आया है, गरीब टीचर सा। हेलो, मेरा नाम गोविंद है, क्या आप मुझे बता सकते हो मेरी क्लास कहाँ पर लगी है? मैं इस कॉलेज में नया हूँ। अच्छा, तो तुम्हें ये जानना है कि तुम्हारी क्लास कहाँ लगी है। पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे डैड करते क्या है? मेरे पापा एक किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी? तेरे डैडी खेती बाड़ी करते हैं और इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा लिया? अरे बेवकूफ, तुझे पता होना चाहिए इस कॉलेज में ना गरीब बच्चे नहीं आते हैं। ओह व्हाट, फिर तेरा इस कॉलेज में एडमिशन कैसे हो गया? तेरे पापा खेती बाड़ी करते हैं तो तुझे पता होना चाहिए यहाँ पर ना इस कॉलेज में किसी भी गरीब बच्चे का एडमिशन नहीं होता है, फिर तेरा कैसे हो गया? मुझे अच्छे तरह से पता है कि यहाँ पर गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, पर मैंने इस कॉलेज में एग्जाम देकर एडमिशन लिया है। अच्छा, तो इस साल के वो अनलकी स्टूडेंट तुम ही हो? अरे मैं अनलकी कैसे हुआ, मैं तो लक्की हूँ ना जो मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिला। एडमिशन तो तुम्हें मिल चुका है इस कॉलेज में, पर तुम्हें हमसे कौन बचाएगा अब? तुम कितने गंदे दिखते हो ना। ऊपर से ये चश्मा लगा रखा है। बच के रहना हमसे। चलो गाइस, क्लास का टाइम हो गया। गोविंद को तो लगा था कि इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। चश्मुस बड़ा पढ़ाई कर रहा है। ओए चश्मिस, इधर आ। क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? हमारे पैरों में दर्द है, जरा इन्हें दबा दोगे? तुम्हें इस कॉलेज में रहना है ना तो पैर तो दबाना ही पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं किसी का कि मॉम इस कॉलेज की प्रिंसिपल है? अब पैर दबाता है या नहीं, नहीं तो मॉम से बोलकर अभी के अभी मैं तुझे इस कॉलेज से निकलवा सकती हूँ। ओके, यार गाइज एक बात कहूँ, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है, अपने एग्जाम्स आने वाले हैं। हाँ यार, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है यार, क्या होगा हमारा? फिर बिन रहता है यूं, हुए सी दिलगी कहता। गाइस सामने देखो। यार सोनम, मुझे लगता है ये लड़का ना बहुत ही इंटेलिजेंट है। ये बात तो तुम्हारी एकदम सही है, अगर ये इंटेलिजेंट नहीं होता ना तो इस कॉलेज में एग्जाम देकर यहाँ एडमिशन ना लेता। मेरा टूटा दिल। मेरे मन में ना एक प्लान आ रहा है। ओए सुन, इधर आ। देखो देखो बुआरा, जल्दी जगह बनाओ बनाओ। अरे बैठो। तुम्हें तो पता ही है तुम इस कॉलेज के कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो ना? हाँ तो एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम में तुझे हम चारों को चीटिंग करवानी होगी। ओके, नहीं नहीं, मैं नहीं करवा सकता वो। ऐसे कैसे नहीं करवाएगा चीटिंग? तुझे पता भी है ऋषिका की मम्मी स्कूल की प्रिंसिपल है। ओके, अगर तुझे इस कॉलेज में रहना है तो तुझे चीटिंग करानी ही होगी। नहीं तो मैं मॉम से बोलूंगी और मॉम तुझे 2 मिनट में इस कॉलेज से निकाल देंगी।
अगर मैंने इन्हें चीटिंग नहीं करवाई तो ये लोग मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। इस कॉलेज में आने के लिए मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं। मैं इस कॉलेज से नहीं जाना चाहता। हाँ हाँ, मैं तुम्हें एग्जाम में चीटिंग करवा दूंगा। ये ये हुई ना बात। रहता है क्यों ना यारा तेरे बिन, ऐसी दिल की कहता है क्यों ना यारा तेरे बिन रहता है। गोविंद के साथ कॉलेज में बहुत ही बुरा बर्ताव होता था, जिसके बाद से ही गोविंद को कॉलेज आने में भी बहुत डर सा लगता था। बस तेरा साथ यारा। अच्छा तो तुम आ गए, ये बताओ तुमने मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया या नहीं? हाँ हाँ, मैंने कंप्लीट कर दिया है, ये लो। वैसे तुम्हारी हैंडराइटिंग तो बड़ी अच्छी है। तो दोस्तों क्या कहते हो, इसे प्रमोशन मिलना चाहिए या नहीं? हाँ हाँ, मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। तो अब हम तुझे प्रमोशन देंगे। तो तेरा प्रमोशन ये है कि तुझे राजेश का, ऋषिका का, शिवानी का, हम सबका प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा और सारे होमवर्क भी। मिलके चलेंगे, हो गया इसका प्रमोशन। अरे मैं इतना सारा होमवर्क कैसे कर पाऊंगा, मुझे अपनी खुद की पढ़ाई भी करनी होती है। अगर तुझे इस कॉलेज में रहना होगा तो हमारा होमवर्क तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुझे पता ही है ऋषिका की मॉम इज प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। चलो मैं इस कॉलेज में क्यों आया, मुझे आना ही नहीं था इस कॉलेज में। मुझे आधे से ज़्यादा वक्त इन लोगों के होमवर्क कंप्लीट करने में ही लग जाता था, जिस वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा था। कल कितना मजा आया था ना कॉलेज में। हाँ यार, एग्जाम भी अच्छे गए। ये लो तुम्हारा होमवर्क। वाओ, अच्छा नमूना मिला हमें, होमवर्क कंप्लीट ही नहीं करना पड़ता हमें। चलो पार्टी करने चलते हैं। चलो चलो। ओए सुन लड़के, हमारी फ्रेंड ऋतिका बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है, तो तुझे पता करना है कि वो कॉलेज में क्यों नहीं आ रही है, समझा? कल तू उसके घर जाएगा और पता करके आ कि वो कॉलेज क्यों नहीं आ रही है इतने दिनों से। ठीक है, इस कॉलेज में रहना है ना तो हमारा काम करना पड़ेगा। हाँ, मुझे इस कॉलेज में पढ़ना है, मैं उसके घर जाऊंगा, पर उसका एड्रेस एड्रेस तो यही बताया था उन लोगों ने, कितना बड़ा घर है ऋषिका का। अरे बेटा, तुम कौन और कहाँ से आए हो? अरे आंटी, मैं ऋषिका का दोस्त हूँ, उसके साथ उसके कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं बस ये देखने आया हूँ ऋषिका इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आई। अरे बेटा तू अंदर है, एक काम करो, तुम अंदर जाकर देखाओ, चले आओ। ठीक है आंटी। हाँ बेटा जाओ। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ।
ये बात तुम तुम्हारे दोस्तों को बताओ ना, वो बहुत परेशान होंगे। यार मैं उनको नहीं बता सकती, नहीं तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। वो सबका मजाक उड़ाते हैं, भले ही फिर वो खुद की फ्रेंड क्यों ना हो, वो सबका मजाक उड़ाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते। अरे ये तो मामूली सी दाग है, मेरे भी हुए थे बचपन में। मैं एक देसी नुस्खा जानता हूँ जो कि मुझे दादी ने बताया था। ये नुस्खा गोबर का बनता है, क्या तुम चेहरे पर लगाना पसंद करोगी? हाँ मैं सब कुछ लगा लूंगी, मैं कुछ भी लगा लूंगी, बस मेरे ये दाग ये साफ हो जाए। इसके लिए तुम्हें मेरे घर पर चलना होगा, क्या तुम चलोगी मेरे घर पर? हाँ मैं तुम्हारे घर पर चलूंगी, चलो। अरे वाह, तुम्हारे चेहरे के सारे दाग चले गए। सच में? हाँ। थैंक यू सो मच, आज तुम्हारे वजह से मेरे चेहरे के सारे दाग चले गए। अरे ऋषिका, तुम कहाँ थी इतने दिनों तक, और तुम इस गरीब फटीचर के साथ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, जबान संभाल कर बात करिए, इसका नाम गोविंद है, ओके? तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है इस पर, आखिर तुमने इसमें ऐसा क्या देख लिया जो तुम्हें इतनी हमदर्दी होने लगी इसके साथ? दोस्ती, दोस्ती तो मुझे इसके साथ रहकर पता चला कि असली दोस्ती क्या होती है। तुम तीनों ना मेरे दोस्ती के लायक हो ही नहीं, क्योंकि तुम तीनों में ना बहुत ही ज्यादा घमंड और लालच भर रहा है। मुझे ना अब तुम तीनों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि तुम तीनों ना बहुत ही घमंडी और लालची इंसान हो, और वैसे भी तुम तीनों के साथ रह रहे के मैं भी तुम तीनों जैसी हो गई थी, पर अब मुझे तुम तीनों की दोस्ती नहीं चाहिए। तीनों को एक मौका और देती हूँ मैं सुधरने का, अगर तुम फिर भी ना सुधरो ना तो मुझे अपनी शकल मत दिखाना, ओके?